दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे KP3R कॉइन कीप 3R नेटवर्क कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में। करंटली कॉइन 116 USDT पर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा खासा एरिया है जहां पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है और वापस से एक अच्छी अपोजिटी इस कॉइन के अंदर निकल के आ रही है। अभी भी इस कॉइन के अंदर कोई खास ब्रेकआउट नहीं हुआ है, एक अच्छे लेवल्स पर है। जो लोग इस कॉइन में एंट्री देख रहे हैं, इस वीडियो हम बात करेंगे कौन से आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं और आने वाले दिनों में इसके टारगेट्स क्या रहेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आपने अभी तक कॉइन D6 ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कॉइन D6 ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें मिल रहा है 100 रुपीज का BTC साइन अप बोनस और आप अपने दोस्तों को रेफर करके पर रेफरल 100 रुपीज का BTC अर्न कर सकते हैं। यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे तभी आपको साइन अप बोनस देखने को मिलेगा। करेंटली कॉइन 116 USDT पर ट्रेड कर रहा है। 15 मिनट का चार्ट ओपन है। आज इसने 118 USDT वाला एरिया टच किया। डेली का चार्ट ओपन करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो अब चार दिन पहले इसने ऑलमोस्ट 103 USDT वाला लो बनाया था और अभी तीन चार दिनों से थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 13 अगस्त को हमने आपको एंट्री पॉइंट शेयर किए थे इस कॉइन के अंदर, जहाँ पर ये कॉइन 121 पर ट्रेड कर रहा था। हमने दो लेवल्स बताए थे आपको, दो एंट्री पॉइंट्स बताए थे, 120 यानी 120 USDT और 110। दो पार्ट में आपको एंट्री लेनी है। 103 USDT तक इसकी प्राइस चली गई थी। 95 के अराउंड हमने स्टॉप लॉस भी बताया था। जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, एंट्री ली होगी और अभी करेंटली उसी लेवल पर वापस से कौन ट्रेड कर रहा है। थोड़ा वहाँ पर स्टेबिलिटी थी, 110 USDT एक अच्छा सपोर्ट एरिया ने मेंटेन किया था, लेकिन प्राइस ने जंप लिया था नीचे की तरफ और वापस ऊपर आ गई थी उसी दिन। तो जिन लोगों ने उस एरिया पर एंट्री ली थी, दो पार्ट में हमने आपको एंट्री शेयर की थी 70 और 30 के रेशियो में। 110 पर आपने 30% रेशियो में एंट्री ली होगी, उसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। 120 से ऊपर अभी ये दो से चार दिनों के अंदर चला जाएगा। तो अभी भी जिन लोगों ने एंट्री नहीं ली है और जो लोग एंट्री देख रहे हैं, अभी भी एक अच्छा एरिया है। ये कॉइन अच्छी एरिया पर है और अच्छी एंट्री इस कॉइन में आपकी बन सकती है। और यहाँ से अगर ये कॉइन ऊपर की तरफ चला गया तो आपको 150-160 USDT पर फिर ट्रेड करता हुआ मिलेगा। और फिर अगर आप चूक जाएंगे तो फिर बस रोना ही रह जाएगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है बार बार मार्केट दे रहा है। जैसे प्रीवियसली भी इस कॉइन ने अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी, 100 USDT से नीचे चला गया था और 100 USDT पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया होगा अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा या अभी भी उनको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो अगर आपको ये कॉइन 15 मिनट में वापस जाते हैं, थोड़ा 4 आवर का चार्ट ओपन करते हैं, यहाँ पर 110 USDT उसको सपोर्ट एरिया है। और अगर 4 आवर के चार्ट में देखें तो इस एरिया पर ये प्रीवियस बहुत टाइम से स्टेबल है, इस एरिया को स्टेबल किए हुए हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ डंप देखने को मिला था, वापस रिकवर हो गया था। तो 110 से लेके 114 के अराउंड में ये कॉइन बहुत टाइम से 4 आवर में भी कैंडल क्लोज कर रहा है। तो अगर ये कॉइन आपको 113 के अराउंड मिल जाता है, 114-113 पर मिल जाता है, तो वहाँ पर आपको 80% पार्ट से एंट्री लेनी, जो भी आप अमाउंट लगाना चाहते हैं उसके 80% पार्ट से आपको 113 के अराउंड में एंट्री लेनी। 113 पर अगर ये मिल जाता तो बहुत अच्छी एंट्री रहेगी। हालांकि करंट प्राइस भी कोई बहुत रिस्की नहीं है, अंडर 120 मिल रहा है। जो कॉइन 200 पर 400 पर ट्रेड कर रहा था वो एक अच्छे लेवल्स पर आपको मिल रहा है। तो 80% पार्ट से लेनी, पूरा अमाउंट नहीं लगाना है। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत करेक्शन और देखने को मिलता है, देखिए एक मूवमेंट हुआ है मार्केट में, ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। अभी 21,600 पर ट्रेड कर रहा है, वापस हो सकता है BTC 20,000 आए, लेकिन अभी तीन चार दिन इस टाइप की चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इथेरियम मर्ज होने वाला है और उसका इम्पैक्ट कहीं मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो सेकेंड एंट्री आपको अगर कुछ चीज़ें बिगड़ती है तो 110 से नीचे 108 USDT का राउंड में आपको सेकंड एंट्री लेनी 20% पार्ट से। अगर आपको 20% पार्ट वाली जो एंट्री है वो नहीं मिल पाती तो हम वो 20% पार्ट जो वॉलेट में ही रखेंगे, नेक्स्ट जब मैं वीडियो शेयर करूँगा या फिर किसी अदर कॉइन्स में जो अच्छा कॉइन होगा, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन, उस कॉइन में आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी कॉइन में एंट्री देख रहे हैं तो उस पार्ट को उसी लेवल पर एंट्री लेनी है जो लेवल्स में आपको शेयर कर रहा हूँ। दूसरा, खुद के रिसर्च के हिसाब से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं, आपका टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है कि नहीं हमें कहाँ एंट्री लेनी। हो सकता है कि आप और नीचे एंट्री की सोच रहे हैं 105 पर, 103 पर या 100 USDT पर, तो वो आपके हिसाब से भी देख सकते हैं। अब यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो एज अ ट्रेडर जो लोग एंट्री लेंगे उनके लिए टारगेट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 150 USDT,
टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 150 और सेकंड रहेगा 165 यूएसडी, जहां पर आपको 60 और 40 के रेशो में सेल आउट करना है। 150 पर 60% और 165 पर आपको 40% पार्ट सेल आउट करना है एज अ ट्रेडर, जो लोग एंट्री लेंगे उनके लिए। शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 180 से लेके 200 क्राउंड में आप सेल लिमिट लगा के रखें, जब भी प्राइस वहाँ जाएगी आपका सेल आउट हो जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको ये कॉइन लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा, 500 से लेके 700 यूएसडी क्राउंड में आपको 1 ईयर के अंदर ही ट्रेड करता हो दिख जाएगा, अगर आपका मिनिमम 1 ईयर का परस्पेक्टिव है तो। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप के वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर के लिंक है, उनको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें ताकि इस टाइप के रेगुलर अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलते रहें। थैंक यू।